पता कहां से होगा, और जिसको पता है वो कहीं आता नहीं। तो मेरी इच्छा है कि मैं जाऊं सब देखूं और वापस आ जाऊं, और दूसरे संडे को मैं नरक में जाऊं और पूरा नरक देखकर मैं वापस आऊं, और तब मुझे पता चले ना कौन सी जगह जाने लायक है, शायद नरक में अपना फायदा हो। तो आजकल तो फायदा दिखते हैं ना, भगवान ने कहा तथास्तु जाओ, तुम पहले स्वर्ग में घूम के आना और बाद में नरक में घूम के आना। और ये सज्जन की टिकट लग गई और रिजर्वेशन हो गया, और संडे को आए यमदूत और पालकी में बिठा कर उसको स्वर्ग में ले गए। आहा हा क्या स्वर्ग था, बड़े बड़े दरवाजे, बड़ी बड़ी अप्सराएं, बड़े बड़े राजा, और संपूर्ण जीवन का सुख स्वर्ग में था। अभी इतने सुख में एक व्यक्ति कोने में खड़ा खड़ा रो रहा था, अभी से रहा नहीं गया, जाकर पूछा सब ठीक है भैया, इतने बड़े स्वर्ग में आप क्यों रो रहे हो। कहा क्या बताऊं, बड़ा सत्कर्म किया तब मैं स्वर्ग में आया, और जितना सत्कर्म किया था उसके बदले में लिखा गया कि मुझे 100 दिन तक स्वर्ग में रहना है, और कल मेरा स्वर्ग का सुख खत्म। बोलो जय श्री कृष्ण, कल जहां थे वहां वापस जाना पड़ेगा, फिर से वही चिंता, मरचू नथी, तेल नथी, खांड नथी, आ नथी, ते नथी, वही चिंता फिर से, इसलिए रो रहा हूं। हां भाई तेरा तेरा कर्म, तुम्हें मुबारक, ऐसा करके वो सज्जन वहां से निकल गए और आगे सब लिखा स्वर्ग में क्या क्या है, बाद में वो नरक में घूमने गया। ओ अत्यंत वेदनाए, कठिनताए वहां थी, कोई उल्टा लटका है, कोई सीधा लटका है, किसी का एक पैर नहीं है, कोई खून की नदी में घूम रहा है, किसी को तवे पर से पकाया जा रहा है, अनेक यातनाओं को देखा। अब उसमें एक आदमी हंस रहा था, तुरंत वहां लगा गुजराती है, बोलो जय श्री कृष्ण, तुरंत पहुंचा, बधु बराबर छे, हाँ मज्जा मां छे, क्यों हंस रहे हो भाई, इतने बड़े नरक में पड़े हो और तुम, अच्छा मुझे लग रहा है कल तुम्हारी नरक की यातना खत्म हो रही है ना। नहीं भाई, अभी तो कल ही आया हूं। अरे तो हंस क्यों रहा है, अरे मेरे भाग्य में लिखा है मुझे 200 दिन तक नरक में रहना है और आज दूसरा दिन है, पर हंस क्यों रहे हो। अरे क्या बताऊं, मैं मर कर यहां आया और मेरे गांव में भागवत कथा शुरू हुई है, मेरी पत्नी तो विधवा हो गई और वो कथा सुनने गई है, एक आसन पर बैठकर उसने संकल्प किया है मेरे पति की सदगति के लिए मैं भागवत कथा श्रवण कर रही हूं, ऐसा संकल्प किया है, 7 दिन की कथा खत्म और मेरी मुक्ति। बोलो जय श्री कृष्ण, कितना भी पाप किया 7 दिन मेरी पत्नी मेरे लिए भागवत की कथा करवाएगी और मेरी सत्य मुक्ति हो जाएगी, ऐसा है दिव्य ये भागवत ग्रंथ। बहुत सारी महत्ता 4-5 अध्याय में बताई गई, 6ठा जो अध्याय है उसमें श्रीमद् भागवत को कैसे गाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके विधि विधान बताए गए, श्रीमद् भागवत की कथा कैसे करनी चाहिए। विवाह है यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पये, जैसे विवाह में खर्चा होता है वैसे ही भागवत को बड़े धामधूम से करना चाहिए। भागवत की कथा जो सुनने आते हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। भागवत की कथा जहां होती है वो जगह वृंदावन से कम नहीं, इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा जहां हो रही है वहां बैठकर भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। वक्ता के लक्षण बताए गए, श्रोता के लक्षण बताए गए, वक्ता कैसा होना चाहिए और श्रोता भी कैसा होना चाहिए, बहुत सुंदर बातें भागवत के इस 6ठे अध्याय में बताई गई, परंतु उसमें से एक भी लक्षण हमारे में नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण, वक्ता के रूप में शायद हम इतने योग्य है पता नहीं, ईश्वर जाने, और श्रोता के रूप में भी हम इतने उत्तम है या नहीं वो ईश्वर जाने। बहुत सारे नियम है, एक आसन पर बैठकर कथा सुनना, कथा के बीच में उठना नहीं है, कथा को सुनना है, कथा शुरू होने से पहले आना है, पूरी होने के बाद जाना है, यहाँ जो पुस्तक रखा गया उसका नित्य पूजन करना है, पुष्प फल पत्र पुष्प दक्षिणा और तुलसी का पत्र चढ़ाकर इस वांग्मय स्वरूप की पूजा की जाए, आरती प्रसाद, आए हुए वैष्णव को भोजन, कई नियम बताए गए, और यहाँ तक कि भी बताया क्या खाना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण, बताया है भागवत में, निराहारो यताहारो तन मनस्कौ समाहितो, सबसे पहला नियम, जो भागवत की कथा सुनने आए हैं दूर दूर से, फोर्टवर्ड से, केलर से, रिविंग से, कोपिल से, सब लोग के लिए नियम है, जो आज आया उसको कुछ खाना नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण, 7 दिन तक सबको भूखा रहना है, निराहार हो, केवल पानी पीना है। पंडित जी जय श्री कृष्ण अभी जाते हैं, आदि
शास्त्र में बताया कि निराहार नहीं रह सकते तो कोई नहीं फलाहार करिए। वो भी फल कितना खाना है तो कहा तुलसी के पत्ता हाथ में रखना है, उसके ऊपर जो फल आ जाए वही फल खाना है, नहीं तो कई लोग तो तरबूज ले आते हैं, आधा सुबह खाते हैं आधा शाम को खाते हैं, तरबूज खा के नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा फल जो भगवान कृष्ण के चरणों से लिया गया, यदि वो संभव नहीं है तो एक समय में फलाहार करना है, एक समय में भोजन करना है, वो भी संभव नहीं है तो दो समय में खाना है पर कथा सुनना है, ऐसे कई नियमों को बांध छोड़ करके बताया गया। कथा बहुत दिव्य होनी चाहिए, कथा का श्रवण ही प्रमुख विषय होना चाहिए। यहाँ तक बताया गया जो भी व्यक्ति जहाँ कथा होती है वहाँ भोजन के लिए उसकी न्योछावर उसकी मनोरथ को देता है उसको अनेक प्रकार के पुण्य मिलते हैं। जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ सीधा सीधा मतलब उसका भी बड़ा रहस्य है, प्रेम से बोलो जैसे कृष्ण, सीधा जरूर देना चाहिए। सीधा मतलब अभी कथा से बीच में कथा आपको बोल देता हूँ, सीधा किसको कहते हैं, सीधा मतलब एक थाली भर के उसमें कच्चा चावल आटा सब कुछ उसमें रखते हैं और पांच व्यक्ति भोजन कर पाए इतना सामान एक थाली में रखकर ब्राह्मण को या मंदिर में दिया जाता है। तो आप जो देते हैं ना, आप जो यहाँ अन्न देंगे, आप यहाँ जो आपका पैसा लिखवाएंगे, यहाँ भागवत जी पर चढ़ाएंगे और भोजन में जो आप कुछ भी लिखाएंगे, वो सब कोई दयादान नहीं है, बोलो जय श्री कृष्ण। यदि आप सोचेंगे मैंने दिया और ये कथा हुई तो भूल जाइए, वो इसके लिए नहीं है, आपका केवल पाप दे रहे हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। आपने जो यहाँ पर दिया समझिए वो जीवन का पाप है, वो आपने दिया है। कैसे तो सुनिए ध्यान से। एक बार एक हमारे बनिए बनिक साहब थे और वो बनिए जी बड़ा व्यापार करते थे, 20 रुपए की वस्तु लाते थे और 200 रुपए में बेचते थे। और नारद जी ने पकड़ा, पंडित जी भैया जी क्या सब कर रहे हैं, इतना पाप कहाँ जाएगा। हंसते हुए बता दिया, नारद जी किसी को बोलना मत, पूरे साल में पाप करता हूँ और दीपावली में जाकर गंगा में नहाता हूँ। और आप ही के शास्त्रों में लिखा है जो गंगा में नहाता है उसका पाप गंगा में जाता है, जाओ पूछो गंगा जी को। अब नारद जी बेचारे सीधे गंगा जी के पास, हे गंगा माता इतना पाप लोग यहाँ आके डाल जाते हैं, क्या करोगी। गंगा ने कहा मुझे तो क्या पता, सब लेकर मैं समुद्र में चली जाती हूँ, जाओ कलकत्ता गंगा सागर। नारद जी ने माथे पे हाथ रखा, रे बाप रे सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, और घूमते हुए गए समुद्र नारायण को। पूछा गया, हे नारायण समुद्र देवता सबका पाप लेकर आप खारे बन गए, क्या करोगे इस पाप का। समुद्र ने कहा बहुत गर्मी होती है, पाप सब आकाश में भेज देता हूँ और आकाश में जाकर वो बादल बन जाते हैं, जाओ पूछो काले बादल से, वो काला बादल पाप है। नारद ने आकाश में जाकर बादल से पूछा पाप का क्या करोगे भाई, कहा मैं तो बरस जाता हूँ, पूरा पाप पानी बनकर पृथ्वी पर जाता है, जाओ पूछो धरती माता से। नारद जी थके थके पसीने से लेप जेब धरती पर आए, धरती माता क्या करोगी पाप का। धरती ने कहा पानी आता है अन्न धान उठता है, जितना भी पाप है वो अनाज में दाने में है, उसको पूछो। दाने को पूछा, अनाज को चावल को गेहूं को पूछा गया, चने को पूछा गया, आप पाप से भरे हो क्या होगा। तब उसने कहा वो खेत उतारता है और काट के ले जाता है, पूछो उस किसान को। किसान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, नारद जी किसी को बोलना मत, मेरे खेत में जितना अनाज आता है उस अनाज को मैं काट के साफ करके बोरे में भरता हूँ, और यदि मेरे पास 30 बोरी अनाज इकट्ठा हो जाए तो उसमें से 25 बोरी मेरी और 5 बोरी सीधा सीधा यानी डायरेक्ट ब्राह्मण के घर जाता है, तो पाप पाप का जाता है और साफ साफ मेरे घर पे आता है, तो मैं जो ब्राह्मण को देता हूँ मैं मंदिर में दे देता हूँ वो सब पाप है। नारद ने कहा आपको ब्राह्मण को पकड़ना पड़ेगा। गए ब्राह्मण देवता के पास, ब्राह्मण को पूछा मंदिर में जाकर, देवता हे ब्राह्मण देव आप क्या करते हो। बड़ा सुंदर जवाब दिया ब्राह्मण ने, जवाब दिया महाराज जी नारद जी हमारा ईश्वर अग्नि है, आपके लाया आपके इन यजमानों के द्वारा दिया हुआ जो अन्न होता है ना वो अन्न को हम पकाते हैं और मेरे ठाकुर के चरणों में धर देते हैं, और एक बार ठाकुर जी के चरणों में जो चला जाता है वो कभी पाप नहीं होता, वो प्रसाद बन जाता है।
और वो प्रसाद हम सबको बांटते हैं, और जो व्यक्ति इस प्रसाद को लेकर आया वो बांटने से जो फल मिलता है ना वो उसको मिल जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो यहाँ जो भोजन होगा, यहाँ जो अन्नदान होगा, वो कोई दयादान नहीं है, उससे हमारे पाप की शुद्धि होती है। और जो खाता है ऐसा मत सोचना पाप का नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो खाएंगे वो भोजन नहीं है, वो डिनर नहीं है, वो अन्न नहीं है, वो केवल केवल कथा का प्रसाद है। इसलिए प्रसाद खाएंगे तो हमारी आत्मा प्रसन्न होगी। और भगवत गीता में लिखा है प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसाद खाने से हमारा दुख और हमारी हानि दूर हो जाती है। ये महत्व है भागवत जी। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा जहां जहां होती है वहां अन्नदान का बड़ा ही महत्व बताया गया, उसको पूजा में करना। आप सब उस विषय को जानते हैं इसलिए मैं उसमें नहीं जाता। श्रीमद् भागवत की बड़ी महत्ता बताई गई। अब श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्व विज्ञस्वरा तेने ब्रह्मरुदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा को स्मरण करके श्रीमद् भागवत का प्रारंभ किया कर किया। और सज्जनों ध्यान दीजिए, मुझे एक घंटे में दसवें स्कंद तक पहुंचना है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए गाड़ी फटाफट जाएगी। जो महत्व का है उस बात को मैं आपको बड़े प्रेम से बड़े भाव से कहूंगा, और उस बात को यदि अंदर से गूढ़ रहस्य युक्त सुनना है तो फिर दूसरी कथा का इंतजार करना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत का बड़ा ही अद्भुत दिव्य रसायन है। ध्यान दीजिए भागवत कहाँ से शुरू हुआ। और मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत की कथा अटपटी है, मूवी जैसी है। बोलो जय श्री कृष्ण। मूवी में आता है ना, पहले पूरा दिखाते हैं फिर बैग में ले जाते हैं, पूरी कथा ऐसे पीछे जाती है फिर वहां से ले आते हैं। भागवत की कथा भी ऐसी है। ये सब मूवी के जितने भी आइडिया से वो सब भागवत से आए हैं। तो मैं बताता हूँ हमारी पूजा के भी कई आइडिया से हमारे शास्त्रों से ही सब कुछ आया है। मैंने देवदास पिक्चर देखी थी। बोलो जय श्री कृष्ण। वो देवदास पिक्चर में वो ऐश्वर्या पारो बनती है और पारो के लंबे लंबे बाल को ऐसे धूप से धूपित किया जाता है। सज्जन ध्यान दीजिए, ये बात हमारे शास्त्रों से आई है। जब व्यक्ति तैयार हो जाता है तो पहले के जमाने में औषधियों के सुगंधित धूप से शरीर को धूपित करते थे, सुगंधित करते थे। ऐसे ही ईश्वर को पूजा करने के बाद धूप से भगवान को सुवासित किया जाता है। ये सब हमारे शास्त्रों से आया हुआ है। तो ध्यान दीजिए भागवत की कथा कैसे कहां कहां जा रही है। सबसे पहला प्रश्न, ये भागवत कथा कहां से आई और कैसे लोगों ने एक दूसरे को सुना। तो बहुत ध्यान दीजिए सज्जनों, सबसे पहले श्रीमद् भागवत में वेद व्यास का चरित्र बताया गया है। भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ, कैसे हुआ उसकी लंबी पीछे की कथा है। पाराशर व्यास से भगवान वेद व्यास का जन्म है। वेद व्यास ने एक आश्रम में रहकर, बद्रिकाश्रम में रहकर एक वेद में से चार वेद बनाए, इसलिए उनका नाम वेद व्यास हुआ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद बनाकर अपने अपने शिष्यों को दे दिया। और बाद में उन्होंने 17 पुराणों का निर्माण किया। अलग अलग पुराण बनाए 17 प्रकार के। 17 पुराण बनाने के बाद एक दिन ऐसा हुआ, वेदव्यास जी एक वट वृक्ष के नीचे बैठे थे और बड़े उदास थे, और घूमते हुए नारद जी वहां से गुजरे और पूछा, वेदव्यास आप बड़े उदास हो, क्या बात है, कोई परेशानी है? आपके चेहरा देखकर लग रहा है आपके मन में कुछ गड़बड़ है। और हमारे शास्त्र में बताया गया है मुख देख कर मन की बात पता चलती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण कहने के आवाज से भी पता चलता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, मतलब कहने के शब्द से मन की बात पता चलती है। जब आदमी का चेहरा उदास, आंखें दुखी हो, समझना उसके मन में कुछ दुख है। आकारैर इंगितैर गत्या चेष्टया भाषणेन च नेत्र वक्त्र विकारैश्च ज्ञायते अंतर्गतं मनः। आंखों से, बोलने की भाषा से,
चलने की रीत से हमें पता चलता है ये व्यक्ति के मन में क्या है। वेद व्यास को देखकर लगा मन में कि इन व्यक्ति के मन में कुछ परेशानी है। नारद ने पूछा वेद व्यास को क्या परेशानी है, ना बताइए वेद व्यास। वेद व्यास ने परेशानी बताई, मैं क्या करूं, मैंने 17 पुराण बनाए और बनाने के बाद पता चला कि इसमें से सही कौन और गलत कौन। बोलो जय श्री कृष्ण। देवी भागवत बनाया मैंने, उसमें माँ भगवती के बारे में लिखा और लिख दिया कि सर्व रूप मई देवी सर्वम देवी मयम जगत, इस विश्व में भगवती के सिवा और कुछ नहीं है। विष्णु पुराण बनाया और लिख दिया विष्णु के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। गणेश पुराण बनाया और लिख दिया कि भगवान गणपति के सिवा इस दुनिया में और कोई देवता नहीं है। और अब मैं मुझे ही पता नहीं कि वास्तव में कौन से देवता है, गणेश माता जी। मेरा जीवन तो चमची जैसा हो गया, चम्मच जैसा हो गया। कई बार खाने बैठते तो एक ही चम्मच से सब कुछ लेते हैं, दाल ले लिया अब खड़े होने में दिक्कत हो रही है तो सब्जी भी ले ली, अब भारतीय तो है ही नहीं तो एक चमचो बद्धामा चाले। हम सब ऐसे हो गए। जन्माष्टमी आई तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।